नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद। शोभन एकवी बाईपास के पास वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवक को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। दरभंगा सिमरी थाना की पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवक को खदेड़ कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवक मोटर बाइक से जा रहे थे, उसी दरमियान वहां सिमरी थाना की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, जिसे देखते ही तीनों युवक भागने की कोशिश किए। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। तीनों लड़के के पास से एक बाइक के साथ लोडेड पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, कई फोन पुलिस ने जब्त किया। उचित कार्रवाई हेतु तीनों लड़के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि यह घटना 11 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे की है। तीन व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो इस प्रकार है: राम किशोर यादव, पिता भिखारी यादव, लगभग 22 वर्ष, बहादुरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद इरफान, पिता मोहम्मद आलम, उम्र 22 वर्ष, एकमी घाट का रहने वाला है। मोहम्मद जाकिर, पिता पप्पू, उम्र 20 वर्ष, जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस संदर्भ में डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने कहा है कि मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस को शक के आधार पर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि वाहन चेकिंग के दौरान यह लोग गाड़ी तेजी से भाग रहे थे। तीनों जिसे पुलिस ने तेजी से पकड़ा और चेक किया तो ये निम्न सामान बरामद किया। घटना का सारांश है कि दिनांक 10/8/22 के करीब 8:30 बजे शिवशंकर पासवान जी, जो इंडसइंड बैंक के स्टाफ थे और वो मधुबनी से अपने घर वैशाली जा रहे थे, इस ओवन मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधियों ने फेंक लिया। रास्ता अवरुद्ध करते हुए इनके पास से जो सामान था, मोबाइल, कुछ कैश, चेकबुक और एक झोला था, ये जो झोला है, इनसे छीन लिया। इसके आधार पर सिमरी थाना में कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में कुछ साक्ष्य के आधार पर थाना अध्यक्ष के द्वारा एकमी शोभन मोड़ पर बीच में चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के दौरान ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधी का चेक किया गया। चेक के दौरान उसके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल और कुछ छीना हुआ मोबाइल और कुछ बैग वगैरह जो अपने पीठ में टांगे हुए था पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत गिरफ्तार किया गया उन लोगों को, और इसके दौरान इन्होंने सारी बात बताई कि हमने लूट का घटना किस तरह से किया। और इसके अतिरिक्त एक दो और कांड का कमतौल में भी 3-8 की घटना हुई थी, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी से 75,000 रुपये की लूट हुई थी। उसके संबंध में भी इसने अपना अपराध को स्वीकार किया है और इसमें भी लूटी गई सारा सामान करीब करीब बरामद हो गया है। इनका नाम है, एक का नाम राम किशोर यादव, दूसरे का मोहम्मद इरफान और तीसरे का मोहम्मद जाकिर, जो चांदी गांव के रहने वाले हैं, बहादुरपुर थाना अंतर्गत है, एकमी के बगल में है, और यह लोग पेशेवर अपराधी है। उस गैप में, एकमी और सेवन के बीच में जो गैप रोड है, इसको यह लोग मेन टारगेट करता था और 2-3 मिनट में ही अपराध करके ये फरार हो जाता था और अपना पहचान छुपाते रहता था। इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी हुई और लूटी गई सारी सामान भी बरामद किया गया। इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास को भी देखा जा रहा है, संभाला जा रहा है। ये सभी क्या सामान बरामद हुए इनसे? जो लूटी गई सामान थी, जैसे उनके पास जो फाइनेंस कंपनी बैंक का कर्मचारी थे उनका चेकबुक देखिए, झोला था, उनका मोबाइल था वगैरह वगैरह, कुछ कैश भी है। हथियार क्या क्या बरामद? हथियार एक पिस्टल है, देसी पिस्टल है और एक गोली है, वह उसका बराबर अपराध के दौरान उसका उपयोग करते थे।